यहाँ पे देखिए डांस कर रहे हैं लोग बाग। आज हम लोग जा रहे हैं मूवी, जवान मूवी देखने जा रहे हैं हम लोग, शाहरुख खान की एकदम शानदार मूवी। तो हम लोगों ने 4-5 दिन पहले ही टिकट बुक करवा लिए थे, आज ही रिलीज हो रही है मूवी और हम फर्स्ट शो जा रहे हैं मॉर्निंग का। और त्रिशा अभी थोड़ी थोड़ी नींदों में हो रही है, आज तो इसको हमने नहलाया भी नहीं है क्योंकि आज हम लोग बहुत ही जल्दी जा रहे हैं, फिर इनको टाइम नहीं होता है और फिर भैया भी बिजी है इसलिए पीछे बैठा है भैया। आज तो मैंने इसको ऐसे रेडी कर दिया है, आज भी जा रहे हैं हम लोग राज मंदिर। और राज मंदिर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम लोग गदर मूवी देखने गए थे, तब गदर मूवी भी हमने राज मंदिर में देखी थी और आज भी हम लोग राज मंदिर जा रहे हैं। तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम लोग इसमें जवान मूवी का रिव्यू देंगे कि मूवी कैसी लगी, कैसी है, क्या रोल है शाहरुख का, सब बताएंगे हम। और राज मंदिर थिएटर के बारे में जिसको भी जानना है हमारे लास्ट व्लॉग मतलब पहले के व्लॉग्स में हैं तो उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको चेक कीजिएगा और राज मंदिर के बारे में और अच्छे से जान पाओगे आप। मैं इसमें भी बता दूंगी थोड़ा बहुत, और उस वाले ब्लॉग में मैंने अच्छे से उसमें राज मंदिर के बारे में बताया है। ये देखिए राइट में मेरी स्कूल है सैंड सोल्जर्स, यहाँ से मैंने 11th-12th पास आउट हुआ यहाँ से, और यहाँ पे हमने खूब बंक मारे हैं, यहीं राज मंदिर में आते थे हम लोग मूवी देखने। गाइस पता जवान मूवी का इतना वो है कि थिएटर के सामने लोग ढोल लेके आए और नाच रहे हैं क्योंकि फर्स्ट शो है ना, तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। इतनी भीड़ हो रही है बाहर और लोग ढोल लेके आए हैं कई तो, और डांस कर रहे हैं पता है। गाइस देखिए यहाँ पे ढोल वोल हो रहा है, जवान मूवी का जोश, यहाँ पे सब नाच डांस कर रहे हैं एकदम शानदार। देखिए यहाँ पे जवान मूवी का एकदम ज़्यादा अल्लाह गुल्ला है एकदम मस्त, जवान मूवी के सारे फैंस। देखिए यहाँ पे रश, तो हम राज मंदिर के अंदर आ चुके हैं, देखिए बहुत तगड़ी रश है यहाँ पे आज। क्राउड देखिए अगर स्टार्ट होने वाली है, अभी गेट हेलो कर दो। गाइस रश देखो और कितने लोग डांस कर रहे हैं।
ये लोग बीच में डांस कर रहे हैं मूवी के बीच में। गाइस देखो तो मूवी कैसी लगी अभी तक? आपको कैसे लगे टुकु मूवी? तो टुकु आपको मूवी कैसे लगी? देखो इसमें, देखो इसमें, देखो फोन में यहाँ पे हम थोड़ी सी पेटीज और कुछ नाश्ते का ले रहे हैं। मेरा तो आज फास्ट है तो बाकी ये दोनों खाएंगे। मैं बेटे को भी नहीं खिला रहे भाई, ये तो खा रहे हैं, खुद ही खा रहे हैं बेटी। मूवी शुरू हो गई है, चलते हैं डुकू, चलें डुकू। यहाँ शाहरुख के नारे लगा रहे हैं सब। तो हमारी मूवी खत्म हो चुकी है और क्राउड का शोर बहुत देख लिया होगा आपने, कितना शानदार एक्साइटमेंट है। बड्डू को डांस करो। आजा देखिए क्राउड का रिस्पॉन्स। और ये बैठ चुके मैडम, अभी आपको फुल रिव्यू बताएंगे मूवी के बारे में। यहाँ पे देखिए डांस कर रहे हैं लोग बाग। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में फुल रिव्यू के साथ। जूस भाई एकदम शानदार, मजा आ गया, जैसे मूवी थी वैसे जूस है, ताबड़ तोड़। मजा आ गया, रुको दूसरों पे लग गया। थैंक यू, अभी आते हैं गाड़ी चलाएंगे। हे गाइस, अब हम लोग घर आ चुके हैं। अब मैं आपको जवान मूवी का स्पॉइलर फ्री फुल रिव्यू देने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जवान मूवी शाहरुख खान की सेकंड मूवी थी इस साल की। फर्स्ट मूवी पठान थी जिसने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन उसकी स्टोरी इतनी अच्छी नहीं थी, जो कि इस मूवी ने इसकी कसर ख़त्म कर दी। तो गाइस इस मूवी का मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बताऊँगा और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊँगा, तो उसके बेस पर आप लोग जज कर सकते हैं कि मूवी कैसी है और हमको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इसकी एक्शन कोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी थी और रेड चिलीज़ को तो आप लोग जानते ही हैं, इंडिया की बेस्ट VFX कंपनी है जिसका काम जवान मूवी के अंदर जो VFX का काम है वो इसी रेड चिलीज़ ने किया है। VFX का जो काम है वो आपने ट्रेलर और प्रीव्यू में देखा ही होगा। इस मूवी की स्टोरी आप एक लेवल मेंटेन करके रखेगी, आपको कहीं भी अप्स एंड डाउन नहीं रखेगी, मतलब एक पॉइंट पे मेंटेन रखेगी, आपको होल्ड करके रखेगी। इसमें आपको कई अनएक्सपेक्टेड कैमियोज देखने को मिलेंगे जो कि मैं आपको आपके लिए सस्पेंस रखूँगा। अब हम लोग एक्टिंग की बात करते हैं, तो SRK के बारे में तो क्या ही कहना,
तो इसमें SRK के मल्टीपल रोल्स हैं, तो जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और लेवल मेंटेन रखते हैं आपको, मतलब एकदम मज़ा आने वाला है इसके अंदर। SRK और नयनतारा की केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम न्यू है और एक लाजवाब केमिस्ट्री और एक इंटरेस्टिंग माहौल बना के रखेगी। और नेगेटिव रोल में विजय सेतुपति ने एक अलग ही अपना दबदबा बना के रखा है इसके अंदर। गाइज मूवी के अंदर आपको फुल इमोशनल टच देखने को मिलेगा। इमोशनल टच की बात कर रहा था तो मैं तान्या को मैं मूवी देखते देखा तो वो मतलब थोड़ा इमोशनल होके और ऐसे ऐसे कर रही थी और डुग्गू मस्त होके मूवी देख रही थी। नेगेटिव पॉइंट्स कुछ एज सच कुछ थे नहीं। बाकी नेट पिकिंग की बात की जाए तो सॉन्ग्स थोड़े से वीक रहे, बाकी BGM इसका काफ़ी अच्छा था। गाइज हमने मूवी देखी थी राजमंदिर के अंदर, तो राजमंदिर भी अपने आप में एक लेवल मेंटेन रखता है क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है वो काफ़ी बड़ी है और एक टाइम पे वो एशिया का नंबर 1 थिएटर माना जाता था और अभी के टाइम पे भी बहुत मतलब सबसे बड़ी स्क्रीन है यहाँ पे जयपुर के अंदर। और मतलब उसके अंदर एक कैपेसिटी 1000 लोग एक साथ बैठ के देख सकते हैं, तो वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। और मतलब इतने सारे लोगों के साथ आप मूवी देखोगे तो उसमें अलग ही एक्सपीरियंस और एक अलग ही मज़ा आता है। मतलब इतने सारे लोग एक साथ वोटिंग करेंगे। और एक्शन की बात की जाए तो मैं 5 में से 5 स्टार देना चाहूँगा और ओवरऑल रेटिंग करें मूवी की तो मैं 4.5 स्टार्स देना चाहूँगा। अब लोग सबको ये मूवी देखनी चाहिए और बच्चों से लेकर ओल्ड एज तक के लोग को सबको ये मूवी देखनी चाहिए और जन्माष्टमी के उत्सव को और एक नए लेवल पर लेके जाएँ। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मस्ट वॉच मूवी है। जो भी मतलब ऑफिस में है तो ऑफिस का काम करके मूवी जरूर देखें। और किंग खान का नाम और उसका जो रिकॉर्ड है उसको एक नए माइलस्टोन को अचीव करने में मदद करें। तो मैं रिकमेंड करूंगा सबको कि आप सबको मूवी देखनी चाहिए और एक अलग एक्सपीरियंस आप फील करेंगे ओवरऑल मूवी के अंदर। और जो मेरे भाई या बहनें हैं जो मूवी को देख चुके हैं उनको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।